दोस्तों, इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे कि दो मैट्रिक्स को जो है हम माइनस कैसे कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस है, एक ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं, मैट्रिक्स ए और ये माइनस मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो सारे स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, तो इस सबसे पहले ये जो इनकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है यहाँ पे, उनको आपस में माइनस कर देंगे। जैसे ये वैल्यू है तो इसकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर ये है, ये वैल्यू है तो इसकी करिस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर ये है। ठीक है, तो जो करिस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती है उनको उससे जो है हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 6 माइनस 2 ये देखें, 7 माइनस और -1, तो ये -1 को मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ। ठीक है, 2 माइनस 4 ठीक है, फिर -4 -3 ठीक है, 3 माइनस 2, 9 माइनस 7, 1 माइनस और ये -2 ब्रैकेट में। ठीक है, -6 माइनस और ये -4 ठीक है, ये ब्रैकेट में मैं ले रहा हूँ, 5 माइनस 0 ठीक है। अब यहाँ पे एक और स्टेप हम ऐड करते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए, ये जो जो चीज़ें हैं ना इसको सॉल्व करके फिर आगे इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 6 माइनस -2 यहाँ पे मैं अपनी जगह पे ले रहा हूँ, यहाँ पे ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आपने ये बात याद रखनी है कि माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करे तो वो प्लस बन जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्लस बन गया है। ठीक है, और ये 1, फिर 2 माइनस 4 भी अपनी जगह पे यहाँ आ जाएगा, ये -4 -3 भी यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा, ये भी अपनी जगह पे। ठीक है, फिर ये माइनस और ये माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, ये देखें, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस भी प्लस बन जाएंगे। ठीक है, और ये अपनी जगह पे यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको माइनस करते हैं, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 2 माइनस 4 ये यहाँ पे माइनस जो है 4 के साथ आ रहे हैं, ये बड़ी वैल्यू है तो हम इसके आंसर के साथ भी क्या लगाएंगे, माइनस साइन। 2 माइनस 4, 4 से 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 2, तो और माइनस वे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होंगे तो -4 -3 इज इक्वल टू -7 बन जाएगा। ठीक है, ये 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 2 3, -6 प्लस 4, 6 से जो है ये 4 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है तो ये -2, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसी तरह हमारे पास a माइनस b जो है फाइंड हो चुका है।